वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने इस वाले कॉमनवेल्थ में देखा, इंडिया का परफॉर्मेंस नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल था। इतने सारे मेडल्स जीते गए, ऑलमोस्ट हर इवेंट में इंडिया ने कुछ ना कुछ तो जीता ही जीता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में आता रहेगा कि मैं भी क्या कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके के स्टेप्स होते हैं, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला। अगर आपको सचमुच में इंटरेस्ट है अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाने के लिए तो ही इस वीडियो को देखना, बाकी बेवजह का वीडियो देख करके मतलब बनने वाला नहीं। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, ऐसे ही अगर आप लोगों को और ज़्यादा अपडेट्स रिक्वायर्ड है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉमनवेल्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले। सबसे पहली चीज तो कॉमनवेल्थ का जो नाम है, या फिर आप कह लो कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करने का जो प्लानिंग था, वो प्लानिंग ओलंपिक से बहुत पहले स्टार्ट कर दिया गया था। तो कोई भी अगर पूछे कि भाई सबसे पहले क्या चीज का लेटर जारी किया गया था, पॉलिसीज बनाई गई थी, तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम के बारे में डिटेल्स बताई गई थी। उससे बहुत टाइम के बाद जाकर के ओलंपिक इवेंट्स के बारे में डिटेल्स रखी गई थी, बट ओलंपिक इवेंट सबसे पहले स्टार्ट हुए थे और कॉमनवेल्थ के गेम बाद में स्टार्ट हुए, क्योंकि भाई पॉलिसीज वगैरह बहुत ज्यादा टाइम चला गया, इसके वजह से ओलंपिक पहले आ गए और जो हमारे कॉमनवेल्थ के इवेंट है वो काफी ज्यादा टाइम के बाद। कॉमनवेल्थ में वही कंट्री पार्टिसिपेट कर सकती है जिस कंट्री के ऊपर ब्रिटिश का राज था। जैसे आप सभी को पता रहेगा कि ब्रिटिश ने काफ़ी सारी जगहों को ऊपर यूटिलाइज किया था, उनको कैप्चर किया था, एक्सप्लोर किया था, और जैसे इंडिया के साथ भी किया था, यहाँ के सोने चांदी सारी चीज़ों को लूट लाट के लेके चले गए थे। तो वैसा उन्होंने जिस जिस कंट्री के साथ किया था वो कंट्री इस इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकती। पहले के टाइम पे इन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, ब्रिटिश स्पेशल गेम्स ऐसे करके नाम दिया गया था, और फिर धीरे धीरे करके कॉमनवेल्थ गेम करके ही चीजों को असाइन कर दिया गया। ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, वो फिर बेवजह की चीज होगी। अब मेन पॉइंट पे हम डायरेक्टली आ जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में ज्यादातर वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो उस इवेंट के नेशनल चैंपियंस हैं। बात क्लियर होगी कि क्या है। अब कॉमनवेल्थ के अंदर कौन कौन से गेम्स होते हैं तो आप सभी ने देख भी लिया रहेगा, लगभग 36 के करीब गेम्स हुए थे। इस बार गेम्स चेंज होते रहते हैं, अभी जैसे इस बार क्रिकेट आ गया था इतने साल के बाद, समझे तो ऐसे गेम्स आगे पीछे होते हैं, बट लगभग 36 के करीब इस बार इवेंट्स थे। ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे कि अगले 4 साल में जब होगा तब ऐसे और ज्यादा इवेंट्स को इंक्लूड किया जाए। अब हर इवेंट का फिर से समझना, हर इवेंट का एक एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे कह लो आपकी, अगर आप इतने, जैसे हम स्कूल में कट ऑफ रखते ना कि जिनको 40 मार्क के ऊपर आ गया वो पास हो गए, जिनको कम आ गया वो फेल हो गए, समझे तो वैसे एक कट ऑफ रहता है। इसके ऊपर अगर आपने उस इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे ट्रायल्स रखे जाते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को डायरेक्टली भी पिक कर लिया जाता है। अगर आप इंडिया के चैंपियन हो, नेशनल चैंपियन हो किसी भी इवेंट के, अगर आप 100 मीटर के नेशनल चैंपियन हो, तो आपको फिर ट्रायल्स देने के लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल दिया जाएगी। हाँ ठीक है, आपको ट्रायल्स के लिए ज़्यादा मगजमारी नहीं होगी, ट्रायल्स में जाओ परफॉर्म कर लो, डायरेक्टली आप कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्ट हो सकते, समझे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, वो ये है कि ओलंपिक के जो इवेंट्स होते हैं उनके अंदर इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमिटी है, वो इंटरनेशनल कमिटी जो सेट करती है स्टैंडर्ड्स कि अच्छा 100 मीटर है तो इतना इतना रहना चाहिए, 200 है तो इतना रहना चाहिए, शूटिंग है तो इतना रहना चाहिए, ऐसे हर एक इवेंट का ना ओलंपिक कमिटी, इंटरनेशनल कमिटी वो सेट करती है। बट कॉमनवेल्थ के अंदर जो इंडिया, जैसे अगर मेरी कंट्री इंडिया है तो इंडिया का जो कॉमनवेल्थ यूनिट है, मुझे हर एक जो भी कंट्री पार्टिसिपेट करती है ना, उन सभी का एक कमिटी रहता है कॉमनवेल्थ कमिटी करके, ठीक है। तो इंडिया की जो कॉमनवेल्थ कमिटी है वो सेट करेगी एक स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इतना इतना के बीच में अगर जो भी बच्चे आएंगे उनको हम आगे इवेंट्स के लिए भेज दें, समझे। अब यहाँ पर कैसा होता है कि आप लोगों ने भी देखा रहेगा, कुछ कुछ इवेंट्स में 2 या 3 एक ही कंट्री के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे हम ट्रिपल जंप कह ले, लॉन्ग जंप कह ले, समझे, वहां पर भी आप लोगों ने देखा रहेगा, जैवलिन में भी थे हमारे पास 2 एथलीट्स, समझे। तो कुछ कुछ इवेंट में देखोगे ना तो 2-3 प्लेयर ऐसे भी आ जाते हैं। वो कैसे होता है, जब एक टीम अपने बंदे भेजते, समझो मैं इंडिया का एज एन कॉमनवेल्थ का चेयरमैन हूँ, मैंने अपने यहाँ से 100 मीटर के लिए 2 बच्चे भेजे हैं, तो जो ऑलराउंड मतलब बाकी सारे कंट्रीज के जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, एथलीट्स रहेंगे,
तो उनके साथ हमारा कंपैरिजन किया जाए कि हमारे जो एथलीट्स हैं वो कहाँ पर रैंक करते हैं, और उसके हिसाब से 16, 20, उससे भी कम कभी कभी करके सिलेक्ट करके एक हीट बना करके इवेंट को प्रोसीड किया जाए। समझे, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सिलेक्शन जो है वो कंप्लीटली रहता है इंडियन कॉमनवेल्थ यूनिट या फिर कह लो कमिटी है उसके हाथ में, ओलंपिक के टाइम के ऊपर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रहते हैं उसके हिसाब से सिलेक्शंस किए जाए। पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है। अब ट्रायल्स, सबसे बड़ी चीज कि ट्रायल्स का डेट कब आता है, जब भी कॉमनवेल्थ के गेम्स होने वाले रहते हैं उससे ठीक 4 से कह लो आप 4 या फिर 3-4 महीने के आसपास में कभी भी ट्रायल्स को कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप लोग एक नेशनल चैंपियन हो या फिर आपने नेशनल में रिप्रेजेंट किया रहेगा तो आप लोगों को डायरेक्टली बता दिया जाता है कि इस दिन कॉमनवेल्थ के ट्रायल्स होने वाले हैं, आप लोग वहां पर आ सकते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन, अगर मैंने आज से पहले कभी भी नहीं किसी भी इवेंट में खेला और मैं सोचता हूँ कि कॉमनवेल्थ में जाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बनने वाला है। ऑब्वियसली बात है, कॉमनवेल्थ एक इंटरनेशनल लेवल का गेम है जहाँ पर इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं। अब वहाँ पर क्या मैं एक 12 साल का बच्चे को भेजूंगा जिनका मतलब रिकॉर्ड उतना ठीक नहीं है? जरा ये भी चीज़ें गलत हो जाती है, क्योंकि एक जब बोलते हैं ना प्लेयर को हम कहीं पर भेजते हैं, अभी बर्मिंगम पे ये इवेंट्स थे तो उसका खर्चा इंडियन कमिटी के ऊपर आता है, कुछ खर्चा जो है वो स्पॉन्सर्स देते हैं, जैसे JSW इस बार के स्पॉन्सर्स थे तो उन्होंने इन चीज़ों को स्पॉन्सर आउट किया था, समझे? तो ये सब चीज़ों में भी पैसा जाता है। अब मैं उस बच्चे पे पैसा क्यों खर्च करूँ जिसके पास ज़्यादा बोलते ना अचीवमेंट्स नहीं है, ज़्यादा मेडल्स नहीं है, नेशनल लेवल पे भी क्वालिफाई नहीं किया, तो उसके पीछे क्यों खर्चा किया जाए? ऐसा सोचती है जो हमारी कॉमनवेल्थ कमेटी है वो। मुझे ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया जाता, मौका दिया जाता है, बट उसके लिए तुमको भी तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने ये गेम्स में गया है, ये पार्टिसिपेशन किए हैं और अब मैं आगे गेम्स में जाना चाहूँ। समझा, सबसे बड़ा पॉइंट क्लियर हो गया कि सिलेक्शन कैसे कैसे की जाती है। ओके, वो बच्चे देखो ट्रायल्स में ज़्यादातर देखे गए हैं स्टेट लेवल के चैंपियंस जाते हैं, नेशनल लेवल जो खेले हैं वो बच्चे जाते हैं, नेशनल के चैंपियंस जाते हैं, और उस ट्रायल्स में जो भी स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को पास करते हो तो 1, 2, 3 करके सिलेक्ट किया जाता है, कभी कभी 1 या 2 ही सिलेक्ट किया जाता है, जो भी स्टैंडर्ड्स रहता है उसके हिसाब से ही सिलेक्शन की जाती है। क्योंकि कैसा रहता है, एक बार जब लिस्ट यहाँ से भेजी जाती है, जब इंडियन कॉमनवेल्थ कमेटी की तरफ से जब लिस्ट भेजी जाती है वहाँ पर वेरीफाई होती है, ऑफिशियल्स जो है कॉमनवेल्थ के वहाँ पर जब वेरीफाई होती है चेक करते हैं कि अच्छा ये बच्चे का इतना रिकॉर्ड है, इसको लेना चाहिए, नहीं है तो हटा दिया जाए। समझे, पॉइंट्स क्लियर होगा। यही चीज़ यहाँ पर स्क्रीन पे बता दी गई, ये डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप सारी की सारी चीज़ें रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो दिया गया है रिकॉर्ड्स, ठीक है, 100 मीटर का 10.10 सेकंड से लेकर के 10.26 के बीच में अगर आप आते हो तो हाँ कुछ चांसेस बनते हैं आप लोगों के कॉमनवेल्थ में खेलने के लिए। ये केवल और केवल कॉमनवेल्थ का ही है, बाकी इवेंट्स का नहीं, समझे? तो ये चीज़ें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऐसे आप लोग डिस्क्रिप्शन ओपन कर लेना, एकदम नीचे स्क्रोल करके आना, इस अप्लाई लिंक के नीचे आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी। समझा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ क्या आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार जितने भी मेडल विनर्स थे इंडिया के, उनमें से आधे से भी ज़्यादा वो बच्चे थे जिन्होंने साई एकेडमी से आए थे। किसी ने नोटिस किया रहेगा कि नहीं पता नहीं, बट मैंने पर्सनली क्योंकि मैं थोड़ा रिकॉर्ड वगैरह रखता हूँ तो उससे मुझे पता चला कि नहीं, ये इनमें आधे से ज़्यादा वो ही बच्चे थे जो साई एकेडमी से आए थे, NSA से आए थे, NCOE से आए थे, चाहे कह लो आप SAT से आए थे, कहीं से भी आए थे, बट वो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से ही आए थे। तो इस वजह से मैं कहूँगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट बनता है स्पोर्ट्स में, अगर करियर बनाना है तो इंडिया का मेरे ख्याल से इकलौता ऐसी फाउंडेशन है स्पोर्ट्स को प्रमोट करते आ रही है और काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पूरा प्लेलिस्ट दे दिया गया है, साई के बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, एथलेटिक्स के बारे में जानना है डिटेल्स वहाँ पर सब कुछ बता दिया। डिस्क्रिप्शन को जैसे ही आप ओपन करोगे ना यहाँ पर आप लोगों को ऊपर से वीडियोज़ पे वीडियोज मिल जाएंगे जिन चीज़ों को आप लोग चेक कर सकते। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।